बच्चे हम कर रहे थे हमारे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 3। 3 चैप्टर के हम फाइबर टू फैब्रिक हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाए थे, तो अभी हम करते हैं इसके लास्ट जो 10 क्वेश्चन हमारे रहते थे। और जिसकी कोई प्रीवियस वीडियो मिस हो गई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्टली बच्चे हमारा 11th क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मुलबरी ट्री। जो मुलबरी ट्री होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मैग्नीफायर इंडिका, ऑप्शन बी मॉरस एल्वा, ऑप्शन डी ऑप्शन सी डेस्मोडियम ग्रीनस, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो बच्चे उसका नाम होता है मॉरिस एल्वा। तो मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या आएगा, राइट ऑप्शन आएगा, बी पे टिक करोगे आप। तो नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन है आपके लिए, सिल्क इज ड्राइव्ड फ्रॉम कोकन। ठीक है, सिल्क कहाँ से, किससे ड्राइव होता है, कोकून से ड्राइव होता है, पोपा से, एग से, माउथ से। ठीक है, जो हमारा सिल्क फैब्रिक होता है किससे ड्राइव होता है बच्चे, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, कोकून। तो ऑप्शन ए कोकून इसका राइट आंसर है। ये आप चैप्टर में देख सकते हो और ये सारे कंसेप्ट अपने क्लियर। तो इनमें से कौन से, मतलब जो शीप होती है उसके जो हेड होते हैं उसका यूज नहीं किया जाता है। फर्स्ट है मुरा, मरवाई, मरवारी, लोई, नली। तो किसका यूज नहीं किया जाता है, मुरा का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, द रीरिंग ऑफ सिल्क वर्म ऑफ फॉर अपटेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। तो जो हम सिल्क की रीरिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको अपटेन करते हैं सिल्क को, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, जो सारी प्रोसेस सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, कोकून, सिल्क, सेरिकल्चर, सिल्विकल्चर। तो बच्चे क्या बोलते हैं उसको, सीरीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बच्चे 15 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा, एक पहेली पहेली वांटेड टू बाय ए गिफ्ट मेड ऑफ एनिमल फाइबर अपटेन विदाउट किलिंग द एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी राइट गिफ्ट फॉर हर टू बाय। तो जो पहेली है, ठीक है, वो गिफ्ट लेना चाहती है, ठीक है, वो एनिमल के फाइबर का बना हुआ गिफ्ट लेना चाहती है, लेकिन वो क्या क्या करना चाहती है, वो एनिमल को मारना नहीं चाहती, उसके बिना गिफ्ट लेना चाहती है। ठीक है, तो वो कौन सा गिफ्ट होगा, ठीक है, जो मतलब बाय कर सकती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमें, वूलन शॉल, सिल्क स्क्राप, एनिमल फर के कैप, लेदर जैकेट। तो बच्चे इनमें से देखो, वुलन शॉल, ठीक है, ये हमारा राइट है, क्योंकि इसको मतलब ये गिफ्ट लेने के लिए उसको एनिमल को मारना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सिल्क स्क्राप, एनिमल फर कप, लेदर जैकेट, ठीक है, ये हमारे गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट बच्चे हमारा 16 क्वेश्चन है। तो 16 क्वेश्चन में देखो बच्चे आपके लिए, 16 क्वेश्चन में देखो, पहेली वांट्स टू नो द नेम ऑफ द ब्रीड विच इज। होता है, ठीक है, तो देखो ऑप्शंस है हमारे, लोही, मरवाड़ी, नली, पटनावादी। ठीक है, कौन सी होती है बच्चे, तो ऑप्शन ए हमारा लोही, हमने चैप्टर में पढ़ा था, ए हमारा राइट आंसर आएगा। तो नेक्स्ट बच्चे हमारा 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन में देखो, 17 क्वेश्चन में, वो जो वांट्स टू नो व्हाई कैटरपिलर नीड टू शेड देयर स्किन बट वी ह्यूमन डू नॉट। तो क्या करता है कैटरपिल, अपनी स्किन से मतलब उसको निकाल देता है ऊपर वाली लेयर को, ठीक है, तो बट वी ह्यूमन डू नॉट, पर हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब वो जानना चाहती है पहली कि वो जो जानना चाहता है वे वो क्यों करता है। ठीक है, क्यों करता है, ऑप्शन हमारे हैं, विन दे टेक विटामिन डी, तो विटामिन डी लेना चाहता है वो इसीलिए करता है, ऑप्शन बी विन दे ग्रो बिग, ऑप्शन सी विन दे आर अलाउ टू डाई, तो जब भी वो मरने वाला होता है तब करता है, ऑल दी अबव। तो ये सारे ऑप्शन राइट है, इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है। तो बच्चे कब होता है, तब कब स्किन को निकालता है, विन दे ग्रो बिगर, तो जब भी उसकी शेप बढ़ जाती है, ठीक है, उसको बड़ा महसूस होने लगता है, तो वो अपनी जो अपर वाली लेयर होती है उसको निकाल देता है, वो स्नेक भी ऐसे करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पहेली वांट्स टू नो दैट जनरली इन विच सिचुएशन ब्लीचिंग एंड डाइंग ऑफ ए सिल्क फाइबर आर यूजली डन।
तो पहेली जानना चाहती है, हम किस सिचुएशन में ब्लीचिंग और डाई करते हैं, कौन सा स्टेप होता है, ठीक है? मतलब जो हम फाइबर प्रिपेयर करते हैं, किस स्टेप में हम उसको डाई वगैरह करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे, बिफोर जर्न आर मेड इन, ऑप्शन बी है हमारा आफ्टर दी जर्न आर मेड, जब भी हमने धागा बना लिया हो उसके बाद करते हैं। बिफोर दी फैब्रिक आर मेड, जब भी हमने फैब्रिक बनाना होता है उससे पहले करते हैं। आफ्टर दी फैब्रिक आर मेड, तो फाइबर बनाने के बाद करते हैं, ठीक है? तो बच्चे देखो, तो हम उसको आफ्टर जर्न के बाद भी नहीं कर सकते, क्योंकि धागा तो हमने प्रिपेयर कर लिया, और फैब्रिक बनाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? आफ्टर दी फैब्रिक तो उसके बाद भी नहीं कर सकते, तो कब करेंगे हम धागे को कलर, जो हमारा जर्न है उसको, जब भी हम उसको फाइबर में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? अब जब भी हम धागा बनाना जो भी उसका है स्टार्ट करते हैं, तभी तभी उसको कलर और ब्लीचिंग किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, उसके बाद जो हमारी मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कलर किया जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट बच्चे हमारा 19 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी बैक्टेरियम बाय विच दी पीपल वर्किंग इन ए वूल इंडस्ट्री गेट इन्फेक्टेड, तो बच्चे जो वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग, ठीक है, उनको कौन सी डिजीज हो सकती है, ठीक है? तो फर्स्ट राइजोबियम, सेकंड एंथ्रेक्स, नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकॉकस और लास्ट बैसिलस। तो बच्चे कौन सी डिजीज हो सकती है उनको, एंथ्रेक्स डिजीज हो सकती है। इस डिजीज में पता है क्या होता है, मतलब उसके जर्म्स वगैरह अंदर चले जाते हैं, ठीक है, उसके सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है एंथ्रेक्स डिजीज में, ठीक है? तो इसमें मोस्टली जो वूल इंडस्ट्री में वर्कर्स होते हैं उनको ये डिजीज होती है, हो सकती है, हो भी सकती है, होती भी है। तो नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम, जो वुलन के क्लॉथ्स होते हैं वो किससे बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एनिमल से, प्लांट से, इंसेक्ट से, बैक्टीरिया से। तो बच्चे ये तो सीधा ही आपको पता चल रहा है इसका आंसर क्या आएगा, एनिमल से वुलन के क्लॉथ बनते हैं, हमने लास्ट ऑप्शन में पढ़ा भी था। तो प्लांट से तो नहीं बनेंगे, इंसेक्ट से भी नहीं है, बैक्टीरिया में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।